नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप लोग फ्री हैं, एक फिल्म देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। ऐसी फिल्मों की जब बाढ़ आएगी तभी सपा बसपा जीत पाएगी। एक फिल्म आई है झुंड, वही बनाया इन्होंने जो डायरेक्टर हैं, जिसके सैराट देखी थी आपने। सोचिए, लगातार बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अच्छी फिल्में बना रहे हैं। सैराट देखी होगी, वो भी एक शेड्यूल कास्ट के डायरेक्टर ने बनाया था। कवाली, पारंजिता, सरपट्टा और तमाम ऐसी फिल्में जो है जो बहुजन समाज के लोग अब बना रहे हैं, जिससे बहुजन आंदोलन जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये मंजुले साहब ने बनाई है, ये फिल्म ज़रूर देखिए। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इसे और बहुजन आंदोलन अपने नागराज पोपटराव मंजुले ने इस फिल्म को बनाया है झुंड, इसमें देखिएगा। और इस फिल्म को देखने से ये होगा कि हम सब बहुजन आंदोलन को और समझ पाएंगे। सोचिए आपकी किस तरह से यूपी में जो चुनाव हो रहा है उसमें किस तरह से सवर्ण समाज के लोगों ने मजबूती से बीजेपी का साथ दिया है और धर्म के नाम पर ओबीसी के लोगों ने भी वोट दिया है। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने सिर्फ इतना ही किया है कि उसने जो मुसलमानों को टिकट न देकर अति पिछड़ों को टिकट बांट दिया, लेकिन अभी भी मायावती अखिलेश जी को लगता है कि सवर्ण उनको वोट करता है। तो ऐसा है नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग, ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी, आप सब लोग इस फिल्म को देखिए, यकीन मानिए इस फिल्म से बहुजन समाज और मजबूत होगा। तो झुंड जरूर देखिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और ये देखिए पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल किस तरह से गलत साबित हुआ था। और आज विश्व महिला दिवस है और फूलन देवी की तस्वीरें अगर आप न अपने घरों में लगाएं तो आप बहुजन नहीं हैं। और ये देखिए दूसरी खबर बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। तो मेरी आप लोगों से निजी गुजारिश है कि झुंड जरूर देखिए, जाइए झुंड देखिए, क्या शानदार फिल्म है। और ये देखिए 564 और तो सवर्ण पत्रकार जो है वो एग्जिट पोल में लगे, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो सही साबित होने जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। किसी मुगालते में मत रहिए, मेरा एग्जिट पोल था जो है, लेकिन उसकी कई वजहें हैं, बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से ये एग्जिट पोल जो है वो साबित हो रहा है। उसकी वजह है, भाजपा के लिए सबसे अच्छी बात है कि उसका 90% तक सवर्ण वोट उसके साथ है। यूपी में 11% ब्राह्मण, 7% ठाकुर, 4% बनिया, 2% भूमिहार, 1% कायस्थ, ये लगभग उनकी संख्या है और वो एक मुश्त वोट करते हैं। लेकिन इनकी बात बीजेपी करती है और कैसे करती है वो बता रहा हूँ। अन्याय एवं प्रतिकार और ज्ञान का विस्तार स्त्रियों की आज़ादी का बस यही आधार है, अरविंद शेष, और वो दिलीप मंडल ने उसको लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी क्यों जीत रही है, उसकी बड़ी वजह बता रहा हूँ। लेकिन उसके खिलाफ़ आपको वही काम जो बीजेपी कर रही है वही काम अखिलेश कर रहे हैं, इसलिए वो जीत नहीं पा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। ये बहुत शानदार पोस्ट है और ये पोस्ट आपको पढ़नी चाहिए। और ये देखिए दिलीप सिंह मंडल ने लिखा है, आप दिलीप मंडल को गाली दे सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के 2AB मुद्दे, हम यादव राज की वापसी नहीं होने देंगे जिसमें मुसलमानों का भी बोलबाला होता है। हमने आपके लिए अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं, काशी को हमने भव्य बना दिया, हम आपको मथुरा भी देंगे। ज़्यादातर बड़े मुसलमान नेता किनारे हैं या जेल में हैं, वे वहीं रहेंगे। गाय समेत तमाम हिंदू प्रतीकों की रक्षा की जाएगी। हम लव जिहाद नहीं होने देंगे, आपकी लड़कियों को कोई मुसलमान लड़का ब्याह करके नहीं ले जाएगा। भारत और यूपी को हम गजवा हिंद नहीं बनने देंगे। हम हिंदुओं के लिए कितना करते हैं और ये और बात है, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे। विपक्ष के पास कोई भी भावनात्मक मुद्दा नहीं है, लड़ाई कैसे हो पाएगी? विकास वगैरह तो कम ज़्यादा सरकार करती ही है। तो ये है वो मुद्दा, इसका काट क्या है? इसका काट है अम्बेडकरी आंदोलन, फूरे पेरियार का आंदोलन। लेकिन हमारे नेता, उनको लगता है कि चूंकि बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व है तो हम सॉफ्ट हिंदुत्व बन जाएंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। बीजेपी की काट है सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरी आंदोलन, आरक्षण, सोशल जस्टिस, स्कूल कॉलेज अस्पताल। और सवर्णों का जो टिकट मिल रहा है वो टिकट अति पिछड़ों को मिले, इसलिए कह रहा हूँ झुंड देखिए, वो भी बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग जरूर दीजिए। अगर बीजेपी जीत रही है यूपी में तो उसकी यही वजह है जो दिलीप मंडल ने लिखा है। बाकी पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से बीएसपी के समर्थकों ने मुझे गालियाँ दी हैं, जिस तरह से सपा के समर्थकों ने गालियाँ दी हैं, जिस तरह से बावन नसराम जी के समर्थकों ने गालियाँ दी हैं, अगर ये सब मिलके
फुले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाएं अपने पार्टी से ऊपर हटके। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज की बात करता हूँ, तो आपको जीत मिलती। अगर मुझे गाली देने से आपको जीत मिल रही है तो आपको जीत मुबारक हो। बाकी 10 मार्च को आपको नतीजे पते चल जाएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ही गाली देते हैं, उन्हीं से लड़ते हैं, वो अपने दुश्मन को पहचानते तक नहीं। इसलिए राजेंद्र सिंह प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये बहुजनों का स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े का स्वभाव है। सपा ने बसपा को, बसपा ने सपा को, और सपा बसपा दोनों ने शंभू को गाली दिया, जबकि मैं सिर्फ वही बता रहा था जो ग्राउंड की हकीकत है। अगर बीजेपी जीतती है तो उसको जीत मुबारक हो, और उसके लिए जिम्मेदार वो तमाम लोग होंगे जो बहुजन राजनीति को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो तमाम नेता होंगे जो सॉफ्ट हिंदुत्व पर खेल रहे हैं, जो, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन लोगों को जो अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, न्याय के लिए बोलते रहिए, न्याय के पक्ष में खड़े रहिए, क्योंकि हमें जो भी मिला है वो किसी के त्याग से, फूले पेरियार अम्बेडकर के त्याग से मिला है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि हम एक बेहतर मुल्क चाहते हैं, संविधान वाला मुल्क चाहते हैं। झुंड जरूर देखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।